नमस्कार सभी को। आज की कहानी हरिहर काका और क्लास टेंथ के लिए संचयन बुक में प्रकाशित की गई है। मिथिलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबसी और लाचारी का शिकार हो गया है। उसके सगे संबंधी सब स्वार्थी होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया था। वे उससे कोई बात भी नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरिहर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2500 से 3000 है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले हैं। आबादी का तात्पर्य होता है जनसंख्या। गांव में तीन स्थान हैं, एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का वृक्ष और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बारी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को कोई विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोंपड़ी बना करके रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। लोगों ने धर्म और सेवा की भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बारी के पास काफ़ी ज़मीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुर बारी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। हरिहर काका के चार भाई हैं, सभी विवाहित हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने दो शादियां की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे खेत है। परिवार के लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरिहर काका की अच्छी प्रकार सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वो उनकी भलीभांति सेवा करती रही, परंतु बाद में ना कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया। उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बारी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दलान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुर बारी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे। ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी और लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बारी में ही उन्हें रहने और खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी,
वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए ठाकुर बारी पहुँचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल नहीं हो सके। पर अगले ही दिन वे ठाकुर बारी पहुँचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे, उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी, उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज़ लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी, घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी और वे इस कार्य का उपाय खोजने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को खबर लगी तब वे ठाकुर बारी जा पहुँचे। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयत्न किया पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत और उसके आदमियों ने काका से ज़बरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे हुए मिले। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। दो तीन लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस दो तीन व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें। अब भाई ये दबाव डालने लगे कि अब ज़मीन उनके नाम कर दी जाए। जब एक दिन उनकी सहनशक्ति नहीं रही तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह उन्हें धमकियाँ दी जाने लगी। हरिहर काका ने जब साफ मना कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका ने अपनी रक्षा के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया तो भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठों के निशान लिए हैं। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस की सुरक्षा की मांग की। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। दो चार पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे अपनी ज़मीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर के ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं और वे रिक्त आँखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। रिक्त यानी सुनी आँखों से आकाश की ओर ताकते